सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल शालूज लव बुक को और बगन में दिए गए घंटी के बटन को प्रेस कीजिए मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको घर में दही जमाना सिखाऊंगी। आज मैं आपको सिखाऊंगी वो पांच तरीके जिनसे आप घर में दही जमा सकते हैं। तो इनमें से जो चार तरीके हैं वो बिना जामन के मैं आपको दही जमाना सिखाऊंगी। चार तरीकों से आप जान सकते हैं कि घर में अगर आपके पास जामन नहीं है जमाने के लिए तो आप बिना जामन के कैसे घर में दही जमा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास घर में जामन नहीं होता और हम दही जमाना चाहते हैं तो हम मार्केट जाते हैं और मार्केट से हम दही खरीद कर लाते हैं, उससे हम दही जमाते हैं। तो आइए देख लेते हैं बिना जामन के हमें कैसे दही जमाना है। तो इन टोटल मैं आपको पांच तरीके सिखाने वाली हूँ दही जमाने के। तो दही जमाने के लिए यहाँ पर हमने 500 ml के करीब दूध लिया है। ये दूध है जो सभी के घरों में आता है। इसको मैंने बॉयल कर लिया था और बॉयल करके मैंने ठंडा कर इसको फ्रिज में रख दिया था। अब मैंने इसको वापस से निकाला है और इसे हमें हल्का सा बॉयल करना है। दही जमाने के लिए जो दूध है वो फुल फैट होना चाहिए और उसमें वो मलाईदार होना चाहिए। अगर इसमें दूध में आपके मलाई नहीं है, अगर फुल फैट नहीं है, तो आप थोड़ी सी इसमें मलाई डाल दें, दूध की मलाई, तो इससे हमारा दही और अच्छा जमेगा। अब ये देखिए दूध हमारा गर्म हो गया है, तो आप देख सकते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दूध हमारा गर्म है, तो इसको टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, ये देखिए एक फिंगर आप डाल दीजिए। तो जब आप फिंगर इसमें डालेंगे तो हमें सहने लायक गर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपने फिंगर डाली और आपको लगे बहुत गर्म है तो इसका मतलब ज़्यादा गर्म हो गया है। तो ये दूध हमारा गर्म हो चुका है। अब इसको हम पांच प्यालियों में निकाल लेते हैं, फाइव बोल्स में निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पांच तरीके सिखाने वाली हूँ दही जमाने के। तो पाँच बोल्स में मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ ताकि हम पाँच तरीके से दही जमा सकें। तो पहला जो हमारा तरीका है वो ट्रेडिशनल मेथड है, जिसमें हम इस दही से दही को जमाएंगे। जो जामन आप देख रहे हैं, दही का जामन, इससे ही हम दही को जमाएंगे। तो पहले तरीके से हम शुरू करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो दूध हमने लिया है उसको हम पांचों बोल्स में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दूध को हमने पांच बोल में निकाल लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले तरीके से। तो पहला तरीका हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, जिसमें हम जामन से दही को जमाते हैं। तो ये देखिए एक चम्मच के करीब मैंने जामन लिया है, इसको हम एक बोल में डाल देंगे। तो इस तरीके से तो सभी अपने घर में दही जमाते हैं, पर मैं आज आपको यहाँ पर इन टोटल पाँच मेथड दिखाने वाली हूँ जिसमें हम दही जमा सकते हैं। तो पाँच ये वो तरीके हैं जिनसे आप दही जमा सकते हैं। मेरे हिसाब से तो यही पांच तरीके जिनसे दही जमाया जा सकता है। अगर आपको भी कोई और मेथड पता है जिससे कि दही घर में जमाया जा सकता है तो आप प्लीज़ शेयर करें मुझे कमेंट बॉक्स में। तो ये देखिए दही का जामन डालकर मैंने उसको हिला दिया है। अब इसको हम साइड में रख देंगे जमने के लिए। तो अभी हम जमने के लिए इसको नहीं रखेंगे, अभी सिर्फ मैं इसको अलग रख रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि बाकी के चार तरीके और कौन से हैं जिनसे आप दही को जमा सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं दूसरे तरीके से। तो दूसरे तरीके में हम लाल मिर्चों के साथ दही को जमाएंगे। तो यस फ्रेंड्स, ये है सूखी हुई लाल मिर्च जिससे हम दही को जमाने वाले हैं। तो इसकी जो आप डंडी देख रहे हैं, ये जो डंडी है इसमें एक ऐसा कंपाउंड होता है जिससे हम दही को जमा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके घर में दही नहीं है तो आप मिर्चों का यूज़ कीजिए, लाल मिर्चों का यूज़ कीजिए और उससे आप दही को जमाइए। देखिए कैसे फटाफट दही जमता है। तो देखिए लाल मिर्चें आप लें, तो ये देखिए गुनगुना दूध आप देख रहे हैं, इसमें हमें दही, ये देखिए मिर्चों को इस तरह से डाल देना है। और जो आप इसकी डंडी देख रहे हैं उसे डूब जाना चाहिए दूध के अंदर। तो आप देख सकते हैं इसकी डंडी डूब चुकी है दूध के अंदर। अब इसको हम साइड में रख देते हैं, बाद में इसको भी हम जमने के लिए रखेंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ तीसरा तरीका। तीसरे तरीके में हम दही को कैसे जमाएंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसको जमाएंगे नींबू के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, हम यूज करेंगे नींबू का, यानी कि लेमन का। तो आप देख सकते हैं दूध है गुनगुना दूध, इसमें हम कुछ बूंद डाल देंगे नींबू के रस के। तो लगभग आधी चम्मच के करीब आप इसमें नींबू का रस डाल दें। ये लगभग एक कप के करीब दूध है और इसमें हम आधा चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। एक बार मिक्स कर दें आप और इसको भी हम साइड में रख देंगे और बाद में जमने के लिए रखेंगे। तो ये दही जमाने के लिए हमारा दूध एकदम रेडी हो गया है। तो ये देखिए दूध हमारा रेडी है दही जमाने के लिए, तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं चौथा तरीका कैसे हम जमा सकते हैं दही। तो चौथे तरीके में हम हरी मिर्चों के साथ दही को जमाएंगे। तो ये देखिए, जी हाँ फ्रेंड्स, ये हरी मिर्च है। तो इसकी जो डंडी होती है इसमें भी ऐसा कंपाउंड होता है जिससे हम दही को जमा सकते हैं। तो ये देखिए डंडी हमें चाहिए, तो यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्च ली है और बाकी दो डंडियाँ मैंने ली हुई हैं जिससे हम दही को जमाने वाले हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से इसकी जो पूछ होती है, जो डंडी होती है, उसको हम डुबो देंगे दूध के अंदर। बाकी जो डंडियाँ हैं वो भी हम डाल देंगे दूध में और डुबो दें इसको अच्छे से। और इसको हम दूध को साइड में रख देंगे और दही इसका जमने के लिए रख देंगे। तो अभी तो हमें इसे साइड में रखना है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको लास्ट और पाँचवा मेथड कैसे हम दही को जमा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स लास्ट और पांचवे मेथड में हम दही को चांदी से जमाएंगे। तो यहाँ पर मैं चांदी के सिक्के का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो चांदी की किसी चम्मच का या फिर किसी भी जैसे रिंग होती है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चांदी की चीज़ से आप दही को जमा सकते हैं। आप गुनगुने दूध में चांदी की कोई भी चीज़ डाल दीजिए और इसको आप रख दीजिए लगभग 10 से 12 घंटे के लिए। बस ये जो लास्ट मेथड है ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है दही जमाने में, तो आप इसको रख दीजिए। चांदी से अगर आप दही जमाना चाहते हैं बहुत ही बढ़िया दही जमता है, पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, आप इसको जमने दीजिए। बिल्कुल वरी मत करिएगा, आपका दही डेफिनेटली बनकर तैयार होगा। तो आइए फ्रेंड्स अब मैं आपको बता देती हूँ कौन सा दही कितना टाइम लेगा जमने में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमने पहला दही जमाया था जो कि हमने जामन से जमाया था, दही के जामन से, वो तो नॉर्मल टाइम लेता है जैसे कि 4 या 5 घंटे लेता है। उसको आप ढककर रख दें लगभग 4 से 5 घंटे के लिए, और बाकी के जो 4 मेथड है वो 10 से 12 घंटे का टाइम लेंगे। लास्ट वाला मेथड जो है जो चांदी से हमने जमाया है दही को, वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले सकता है, इसलिए आप उसको लगभग 2 घंटे के लिए एक्स्ट्रा छोड़ दें। और सारे जो दही हैं सभी को हमें ढककर रखना है वार्म प्लेस पर, यानी कि गर्म स्थान पर, तो हमारे दही तैयार हो जाएंगे। तो आइए अब हम जमने के बाद में देख लेते हैं दही हमारे कैसे जमकर तैयार हुए हैं। तो ये देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ चांदी का दही, जो हमने चांदी से जमाया था, चांदी के सिक्के से जमाया था। तो ये देखिए कितना गाढ़ा और थक्केदार है, आप सरप्राइज्ड होंगे देखकर कि चांदी से भी दही को जमाया जा सकता है। तो ये मैंने चांदी से जमाया था, आप अपने घर में इसको ज़रूर जमाएं। तो चांदी जो होती है तासीर में बहुत ठंडी होती है, और स्पेशली गर्मियों के लिए इसका दही जमाया हुआ बहुत अच्छा है। तो ये देखिए अब मैं आपको चांदी का सिक्का निकाल कर दिखा रही हूँ। तो सॉरी फ्रेंड्स, ये जो दही है मैंने डिस्टर्ब कर दिया है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि ये जो दही है चांदी से हमने जमाया था। तो ये जो दही है ये आप टेस्ट करके देखिएगा, खा के देखिएगा, बहुत ही बढ़िया दही रहता है। तो आप अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, और ये जो सिक्का हमने निकाला है उसको वॉश करके आप सेफली रख सकते हैं, और दही को आप यूज़ कीजिए एज ए स्टार्टर दही, यानी कि जामन के दही में भी यूज़ कर सकते हैं कढ़ी बनाने में, और इसको आप रायता भी बना सकते हैं, बहुत बढ़िया बनता है। और ये देखिए अब मैं आपको दूसरा दही दिखा रही हूँ जो हमने हरी मिर्च से जमाया है। तो ये जो हरी मिर्च वाला दही है वो भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सेट हो गया है, आपकी आंखों के सामने है। तो ये देखिए अब ये जो आप हरी मिर्च देख रहे हैं इसे भी हमें रिमूव कर देना है। तो हरी मिर्च हम अलग रख देंगे और इसको आप धोकर सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं। डंडी हम फेंक देंगे इसकी, डंडी भी रिमूव कीजिए। और ये जो दही है बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता जो हरी मिर्च वाला है, पर इससे आप जामन बहुत बढ़िया बना सकते हैं। और ये देखिए ये जो दही है ये हमने बनाया है नींबू से, ये नींबू का दही है, जो नींबू का रस हमने डाला था ये वो वाला दही है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ लाल मिर्च का दही, ये भी देखिए कितना गाढ़ा और मलाईदार है, ये भी बहुत थक्के वाला बनकर तैयार हुआ है। तो ये भी आप अपने घर में बना सकते हैं, बिलीव मी फ्रेंड्स इसमें कोई मिर्ची नहीं होती, आप मत सोचिएगा। अच्छा ये जो लास्ट वाला दही आप देख रहे हैं ये मैंने दही के जामन से जमाया था, तो ऑब्वियसली ये तो गाढ़ा मीठा मलाईदार और थक्केदार हो गई, तो ये भी बहुत बढ़िया है। तो ये थे 5 तरीके जिनसे हमने घर में दही को जमाया है। जो बाकी के 4 तरीके हैं बिना जामन के, वो तरीके हैं जिनमें आप कम क्वांटिटी में दही को जमा सकते हैं। जब भी जिन दिनों आपके घर में जामन ना हो तो आप इन मेथड से आप जामन को तैयार करके दही को घर में जमा सकते हैं, लार्ज क्वांटिटीज में आप जमा सकते हैं। और जब भी आपको ज़्यादा क्वांटिटी में जमाना हो तो आप जामन बनाकर और उसके बाद में उसको आप ऐड कर दीजिए दूध में, और भैया आपका दही बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि अक्सर से होता है जब भी हम कभी बाहर चले जाते हैं और बाहर से लौट कर आते हैं, जैसे छुट्टियों वगैरह पे चले गए, तो हम घर में जब लौट कर आते हैं तो दूध वाला दूध तो दे जाता है लेकिन हमारे पास दही नहीं होता, तो हम दही क्या करते हैं मार्केट जाते हैं और मार्केट से हम दही खरीद लाते हैं और उसके बाद में हम दही को जमाते हैं। तो अब आपको दही के लिए बाहर नहीं जाना होगा, स्टार्टर के लिए जामन जिसको बोलते हैं उसके लिए बाहर नहीं जाना होगा। आप क्या कर सकते हैं, हरी मिर्च का यूज़ कीजिए, लाल मिर्च का यूज़ कीजिए, आप चांदी का यूज़ कीजिए, या फिर आप नींबू के रस का यूज़ कीजिए और दही जमाइए, उससे जामन को तैयार कीजिए, और उससे आप जो फ्रेश बढ़िया दही है मलाईदार दही वो आप जमा सकते हैं। तो ये थे हमारे 5 तरीके जिनसे हम दही को जमा सकते हैं। इन दही से आप रायते बना सकते हैं, कढ़ी बना सकते हैं, आप इससे इसको इससे आप लस्सी बना सकते हैं, मीठी या नमकीन लस्सी बना सकते हैं। तो आप किसी भी यूज में इसको अपना सकते हैं, ला सकते हैं। तो ये थे 5 तरीके घर में दही जमाने के, आप इसमें को यूज़ कीजिए, अपने घर में दही को जमाइए और मुझे बताइए आपको मेरे मेथड कैसे लगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन विद न्यू रेसिपी, बाय।